आप सभी को पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे BTS के लीडर यानी RM ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिसको देखने के बाद सभी आर्मीज काफी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उनको ये लगा था कि आखिर RM के फेस पर ये क्या हो गया। एक्चुअली इस इंस्टाग्राम स्टोरी में अचानक से आर्मीज ने नोटिस किया था कि RM की आंख के ऊपर काफी बड़ी चोट लगी हुई है और वहां से काफी खून भी आ रहा है और वहां पर काफी ब्रूसेस भी पड़ गए हैं, जिसके बाद RM ने वहां पर बैंडेड लगाकर भी एक फोटो शेयर करी थी। लेकिन रिसेंटली लाइव आकर RM ने आर्मीज को रिवील किया है कि उनकी आंख पर क्या हुआ था, और फाइनली आर्मीज के सामने RM की आंख की चोट की मिस्ट्री रिवील हो चुकी है और उनको पता चल चुका है कि RM को क्या हुआ था। तो जब RM ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी तो बहुत सी आर्मी सोच रही थी कि RM को शायद जिम से कोई चोट लग गई होगी, क्योंकि पहले भी उनको जिम करते टाइम थोड़ी बहुत चोट लगी थी जो कि उन्होंने शेयर करी थी। वहीं कुछ आर्मीज को लग रहा था कि कहीं RM की किसी से लड़ाई भिड़ाई तो नहीं हो गई जिसने RM की आंख पर मुक्का मार दिया और उनको इस तरीके की चोट लग गई है। लेकिन फाइनली RM ने सभी रूमर्स और सभी अजम्पशंस को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने रिवील किया कि एक्चुअली ये जो चोट है ये उनको शूटिंग के दौरान लगी। RM ने बताया कि जब वो शूट कर रहे थे तो कैमरा उनके फेस के काफी क्लोज था, जिसके बाद वो कैमरा एकदम से स्लाइड हो गया और उनकी आंख पर जाकर लगा और उसकी वजह से उन्हें शूटिंग भी रोकनी पड़ी। दोस्तों डेंजरस बात तो ये है कि RM ने रिवील किया कि वहां पर उनको 5 टाके लगे हैं, मतलब उनकी स्किन सच में काफी फट गई होगी जिसकी वजह से 5 टाके लगाने पड़े, 5 स्टिचेस लगाने पड़े। और फिर RM ने ये भी बताया था कि उनको शूटिंग रोककर तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ये सब कुछ सुनकर आर्मीज काफी डर गई थी, क्योंकि आर्मीज BTS से प्यार ही इतना करती है कि उनको कुछ भी हो जाए आर्मीज को काफी टेंशन हो जाती है, और RM की ये बात सुनकर भी आर्मीज को काफी टेंशन हो गई थी। लेकिन फिर आर्मीज ने रियलाइज किया कि BTS के सभी मेंबर्स अब काफी बड़े हो चुके हैं, उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना आता है, और इसीलिए आर्मीज को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RM की जो चोट है वो ऑलरेडी काफी रिकवर हो चुकी है। हालांकि कुछ निशान वहां पर अभी भी हैं और अभी वो रिकवरिंग प्रोसेस में है, तो RM ने बताया कि शायद कल को उनको थोड़े निशान वहां पर रह जाएंगे जो टाके वगैरह लगे थे। लेकिन फिलहाल आर्मीज को उनके निशान से कोई मतलब नहीं, आर्मीज बस यही चाहती हैं कि RM एकदम सेफ और हेल्दी रहे और BTS के सभी मेंबर्स एकदम सेफ रहें, उनको कुछ भी ना हो। और RM भी आर्मीज को बोल रहे थे कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने RM की ये इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी या फिर नहीं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।